नमो ओंकार नमो सिद्धांत नमो आयाम नमो अध्याम नमो दोषावन शुद्धात्मान मणिकांतम सात्मतम मंगलम वंदे दृष्टि सिद्धार्थम सुंदर प्रकाशम मंगलम भगवान की मंगलम गौतम वाणी मंगलम कुंदकुंदाचंद्रमोस्मंगल सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम ज्ञानम चेतु शासनम जीव जीवक दर्पम जीव वर्ग सिंह जीव चुटी विभिन्न रंग वंदन मंगे कम से बजा से सा गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक आप दो मानते हैं, लेकिन गर्भ में आना जीव का वही जन्म होना है। गर्भ से बाहर मत नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन गर्भ में आया है जी तब गर्भ बढ़ा है, उसके बिना गर्भ बढ़ने वाला नहीं है। जीव कहीं से आता है और जन्म धारण करता जन्म ग्रहण करता माने नाना प्रकार के प्राणों को धारण करता है, गर्भ में आया उसी में। गर्भ कल्याण क्या है? गिनवाणी का सतत अभ्यास करना, अंतरंग में बारंबार विचार करना। जन्म कल्याण माने सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन हमारा मतलब कहने का इतना है, बोलो चाहे मत बोलो, सोचो जरूर, विचार जरूर करो। विचार करने पर तुम्हें तब तक विचार करो जब तक सत्य भाषित न हो जाए। बात तो सही है, देव तो यही है, ये हमारा मन पागलपन है जो भटकता है। देव तो यही है, जिनके चरणों में इंद्र और चक्रवर्ती नमस्कार कर रहे हैं, इधर उधर सेवक की तरह खड़े हुए, गदर इंद्रादिक जिनका अपने इसके अर्थ सेवन करते हैं। जीवन करना माने श्रद्धा करना, ध्यान करना, आचरण करना अपने हित के लिए। लोकोत्तर पुरुषों में श्रेष्ठ हैं गर्दर और लौकिक पुरुषों में श्रेष्ठ हैं इंद्र। जिसके हृदय में भक्ति नहीं है वह श्रेष्ठ नहीं हो सकता। लोक में चार उत्तम हैं, चार उत्तम जिसके हृदय में नहीं है तो वो उत्तम पुरुष कैसे हुआ? चुप रहेगा? चुप रहने से काम नहीं चलेगा। इसलिए हम आज ये कह रहे हैं कि चुप भले रहा लेकिन सोच रहे, और तब तक सोचो जब तक कि ये बात हमारा प्रमाद हमें काटने को नहीं दौड़े। हमारी लापरवाही हमको बुरी लगे, हमारा दोष हमें दोष लगे, दोष तो हमारा ही। हम स्वतंत्र हैं और सब परतंत्र हैं, ऐसा नहीं। अपनी स्वतंत्रता में जो एक को नहीं जानता वो सब को नहीं जानता, सर्व को नहीं जानता वो एक को भी नहीं जानता। हम स्वतंत्र नहीं हो सकते अकेले। हम कहें हम स्वतंत्र, भारत देश स्वतंत्र नहीं हो सकता। भारत देश जब स्वतंत्र होगा तभी हम स्वतंत्र हो पाएंगे। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे उस समय, उद्घाटन के लिए किसी काम के लिए आए होंगे। एक मजदूर ने कहा लफड़ा तुमने हमारे लिए क्या किया, तुम प्रधानमंत्री हो। पकड़ने दौड़े, नेहरू जी ने शांत कर दिया, बोले
कभी तुम चपरासी से भी पूछ सकते, चौकीदार से भी, तुमने हमारी क्या किया। आज प्रधानमंत्री से पूछे हो, इतनी तुम्हें आजादी मिल गई, ये कम है। इससे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासन में तुम चौकीदार से भी पूछ सकते, तुमने हमारी क्या किया। आज पूछा है प्रधानमंत्री से, इतनी आजादी मिल गई, ये कोई कम नहीं है। इब्राहिम लिंकन ने एक बात कही थी, हम दूसरों को गुलाम नहीं बनाना चाहते, हम गुलामी पसंद नहीं, इसलिए हम भी गुलाम नहीं बनाएंगे। ये मत सोचो हम परतंत्र ने, परतंत्र माने शासन में, अनुशासन में, स्वतंत्र माने स्वच्छंद, ऐसा पोषण मत करो। हम स्वतंत्र हैं, चाहे जब चल जाए चाहे जब आ जाए, हमको व्यवस्था पूरी मिल जाए। चाहे जब चल जाए, हमारी परिणाम नहीं रुके तो हम क्या करेंगे। अच्छा, तुम्हारे परिणाम तुम्हारे लिए बंधन में नहीं, तुम्हारे परिणाम पर मैं घूमती है, अभी भी रुके नहीं, तुम्हारे परिणाम घूम रहे हैं। कोई भीतर में मजबूरी होगी तो तुम्हें रोके हुए है, जरूरी समझ करके नहीं रुके, यही हमारा हित है। और यहाँ भी तत्व का अभ्यास करने से ही हमारा हित होगा। हमने जूसों को जवाब दे दिया और बस अब सोचन, अब कोई कह नहीं पाया, ये आदत डाली थी। इस आदत में सहयोगी में मत बनो और ऐसी आदत डालो, सहयोगी बनना पाप, छुप रह गए और फिर अपने करने लगे, क्या हुए कसुन, नहीं आए नहीं बोले और बस आता ही हाथ पकड़िए। अरे भाई, हमें अपना हित करना है, समता करनी है, तुम नहीं बोले तो बड़े नहीं हो जाओगे, मत बोल, तुमने जवाब नहीं दिया कोई बात नहीं। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, कम से कम सोचो, जब हम जो कह रहे हैं उसका विचार करना। टोटरमल जी ने कहा, विचार करने वाले का परम कल्याण। अभ्यास करने वाले का परम कल्याण, पहले अधिकार में, दूसरे अधिकार में, तीसरे अधिकार में लिखा कि नहीं, ये दुख तुम पर बीतते हैं कि नहीं, विचार करके देखो। अगर तुम्हें बातें हो जाए, संसार रसार है अभी नहीं, हम कह रहे हैं तुम्हें कहां आसार बात हो रहा है, तुम्हें तो भोग भी वैभव सार भूत रहती, संसार असार रहे हैं, सही बात है, गलत नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं, आगम कह रहा है तुम्हें नहीं बात हुआ, तुम केवल ज्ञानी हो, मन पर ज्ञानी हो। अरे भाई, तुम्हें असार भाषित हो गए तो उसकी ओर उपयोग क्यों जाता भी। एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय में प्रवृत्ति होना, ये दुख का लक्षण है। संसार असार भाषित होता है, ये बताओ, उस कूड़े घर पर नाली में से एक कूड़ा उठाने का भाव क्यों नहीं आ रहा, सिक्का उठाने का भाव सोने का क्यों आ जा रहा, सोने का सिक्का सार लगता है, कूड़ा असार लगता है। अगर संसार असार लगेगा तो संसार में चार गति है कि नहीं, स्वर्ग है कि नहीं, मोक्ष है कि नहीं, पुण्य भी संसार है कि नहीं, पाप संसार है, सो ठीक है, पुण्य का उदय भी संसार है और पुण्य का परिणाम भी संसार है। पुण्य का परिणाम भाव संसार है और पुण्य का उदय द्रव्य संसार। पुण्य का भाव नहीं हो तो पुण्य का उदय कहां से आएगा,
और पुण्य का उदय नहीं है तो स्वर्ग कहां से हुआ, चक्रवर्ती कौन होगा? बोलती तो हम सोच रहे थे अभी यहां बैठ गए, तीर्थंकर भी नहीं बोलते, कब बोलते, मौन होते कि नहीं, लेकिन सांस होते, भीतर भीतर घुटते ही नहीं है। अगर तुम भीतर भीतर घुटोगे तो तीर्थंकरों के मार्ग में प्रवेश कभी नहीं कर पाओगे। गाते रहोगे निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से प्यारा, जब तक तुम्हें अहिंसा और सत्य प्राणों से प्यारी नहीं रहेगी तब तक निर्ग्रंथों का मार्ग कहां से प्राणों का। निर्ग्रंथों का मार्ग प्राणों से प्यारा है इसका मतलब क्या है? वैसे ही बका होगा, तुम जो कह रहे थे सो ही जुने हो, निर्ग्रंथों का हम का ये तर्ज ले, तर्ज लेने से काम नहीं चलेगा। निर्ग्रंथों का मार्ग क्या है ये विचार करने चलेगा। अब नहीं विचार करोगे, नहीं करोगे तो मत करो, सत्य विचार नहीं करोगे तो खोटे विचार आएंगे, क्या करें क्या करें क्या करें। अरे नहीं करना तो यही है, किस प्रकार से करें ये सोचो। तम उपायम विचिंतये, उसके उपाय का चिंतन करते हैं। उपाय दो प्रकार के होते हैं, एक बहिरंग उपाय एक अंतरंग उपाय। अंतरंग उपाय तत्व विचार है, और तत्व विचार के होने पर कर्म के उपसंहारक होना, ये बहिरंग उपाय। अब तुम तत्व क्या करें क्या करें, अरे तुम उल्टा करोगे, तुम्हारी कथा चीज है क्या करें, ये जो कार्य भगवान ने किया है वो ही कार्य तुम करो। इस करनी से तुम भाई भी त्राग भगवान, सो करनी हम भी करें, हम तुम एक समान। क्या करें क्या करें, इसका मतलब भगवान को मानते ही नहीं तुम, क्या कर हमारा उदय सिद्ध है। अरे पागल तुम ज्ञाय हो, तुमने ज्ञान का उदय होता है, हमारा उदय सिद्ध है, क्या करें। माने गलती करते जाए, लापरवाही बढ़ती जा, स्वच्छंद फोड़ते जा, अरे रोग समझ में नहीं आता हो तो वैद्य की सलाह करते हैं, इसका मतलब, और सलाह नहीं करती इसका मतलब है रोग समझने की गरज ही नहीं। रोग समझ में नहीं आता तो क्या करें क्या करें, वो माथा नहीं पटकते, वैद्य की शरण लेती, वैद्य जी से पूछे वैद्य जी क्या खा लें, भूख बहुत लगी, अब एक काम करो तुम हल्का भोजन दे देना, रोटी मत खाना, पूरी मत खाना, पराठी मत खाना, खिचड़ी खा लेना, फिर तो जल्दी भर जाएगा और पचन पाचन तीव्र हो जाएगा। अब क्या करें क्या करें, करते हो क्या, खाएं क्या खाएं क्या खाएं, बहुत भूख लगी, वैद्य से पूछो ना क्या करें, समता रस का पान कर, करो क्या। जो गुरु महाराज हैं, भगवान हैं, शास्त्र हैं, वे कह रहे हैं तो तुम्हें शंका होगी, जिन्हें तत्वों में शंका नहीं होती वे सम्यक दृष्टि होती हैं। सम्यक दृष्टि जिन्हें होना है वे तत्व में शंका नहीं करें, और तत्वों का वर्णन हुआ है शास्त्रों में, शास्त्रों के वचनों में शंका न कर, जिन वच में शंका न था हो जाए। अब तुम अपनी बुद्धि को ज्यादा समझोगे, बोलोगे ही नहीं, पूछोगे ही नहीं, कहोगे ही नहीं, क्या बोले हम, अच्छा अरे दो बातें के भी भगवान को नहीं पूछनी, कुछ समझ में सब समझ में आता है इसलिए कुछ नहीं पूछे, या मिथ्या दृष्टि हो गई जो कुछ समझ में नहीं आता क्या क्या पूछा,
ऊंचे पूछा एक दफे, तुम्हारी गर्दन कैसे टेढ़ी हो गई? क्या बस तुमने देखो ही कहा है सब टेढ़ हो गए? मिथ्या दृष्टि को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए क्या क्या पूछे? और केवल ज्ञानी को सब समझ में आता, क्या पूछे? तुमको मिथ्या दृष्टि हो केवल ज्ञानी? केवल ज्ञानी तो हो नहीं सकती। केवल ज्ञानी के लिए पहले सम्य ज्ञानी होना पड़ेगा, और सम्य ज्ञानी होने के लिए विनय पूर्वक ये आठ वेद कर्म उच्छेदक ज्ञान दर्पण देखना, इस ज्ञानी सौ वर्षीया और तब पर देखना जून जमक है तुम्हारी छव, तुम इसमें कुछ दम नहीं, तुम्हारा पुण्य का उदय जुगनू की जमा की तरह है। जहाँ सवेरे नृत्य गान हो रहे थे, ताई समय रुआ रोई हाय, ताई सांझ समय ताई छान हाय हाय पड़ी है, तुमने देखा है संसार ऊपर नहीं पहुंच पाओगे कमरे तक, क्या करोगे? अब वो तो मजबूरी है। अरे वो मजबूरी है तो ये जरूरी, अब तुम स्वीकार कर ले उसे या नहीं स्वीकार करो, वो तो मजबूरी है। अरे मजबूरी है तो ये जरूरी है, तटावचक स्वाध्याय जरूरी है, अंतरंग अभ्यास जरूरी है, केवल रूढ़ी क्रियाओं में जगह धर्मात्मा कह दे संतुष्ट मत हो जाओ। सोचो कुछ, हमने कहा आपको तब तक सोचना जब तक जैसा कहा है वैसा ही बात करते हो जाओ, संसार रहता है। अरे तुमने हमें सुना दिया और लगे हो संसार में, संसारी जीवों से प्रीति क्यों होती है? संसार से एक पुरुषों से प्रीति क्यों नहीं होती? पचवान यो कहता है जो वीर पुरुष है उसे वीर पुरुष से प्रीति होती है, कार्य से प्रीति नहीं होती। भले वो अपने पक्ष का हो, अरे अपने पक्ष का अन्यायी हो तो भी उसके प्रति प्रीति नहीं हुई, दूसरे पक्ष का शत्रु पक्ष का न्यायवान हो गए तो भी उसके प्रति प्रीति होगी, पदवानी होगा कि नहीं? राजन जी ने लिखा संसार से स्पष्ट प्रीति करने का भाव होता है उसने ज्ञानियों के वचन सुने नहीं, माने उसने संसार असार सुनी नहीं। शिष्य से गुरु ने कहा गर्मी बहुत है बाली की हवा में, आपको छोड़कर आपके चरणों जैसी शीतल था बाहर कहाँ है? इसका नाम विनय है, इसका नाम विनय नहीं है। हमें गर्मी बहुत लगी, यहाँ गर्मी बहुत है, अरे कसायों जैसी विश्व में कोई गर्मी नहीं है और ज्ञान जैसी कोई शीतलता नहीं है। नीति में कहा है मुक्ताहार शीतल है, चंदन शीतल है, जल शीतल है, और ये सब शीतल है, ये व्यवहार की बात है, बहुत ही शुद्ध व्यवहार की। वास्तव में संतों के वचन शीतलता प्रदान करने वाले हैं। संतों के वचन माने शुद्ध ज्ञान है, ऐसे शरीर तुम नहीं हो, पर जब दुख का कारण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तुम किस विकल्प में पड़े हो, किस मोह में पड़े हो? मोह ही नहीं मान रही, पर जब दुख का कारण होगा, आप कुछ भी कहो हम तो आपका ही चमत्कार मानेंगे।
मिथ्यादृष्टि जाओगे, संसार में भ्रमोगे, कर्म का बंध होगा। तुम हमें कह लो, आप कुछ भी कहो, हम तो आपकी कथा मानेंगे, थोड़ी देर की कथा है। अब ठीक हो गए, अब चलो। क्यों? आप अपनी गाड़ी है, अपना काम है, उस काम को अपना काम कब तक समझ लिया हो? सत्य को समझने को अपना काम नहीं समझोगे तो कौन से समय आए? उसके बाद पूजा नहीं, कोई जरूरत नहीं। आ जाना फिर एक महीने बाद, बेटाम दे लगाओ स्वच्छंद। स्वच्छंद जीव कब स्वतंत्रता का मार्ग भी पार पाएगा? स्वतंत्र होने की बात तो बहुत दूर है। स्वच्छंद जीव कब स्वतंत्रता का मार्ग भी पार पाएगा? हम क्या करें, हम क्या करेंगे? वो नहीं, भगवान ने जो किया है वो ही करो। तत्वों का निर्णय करो, भेद ज्ञान करो, समता रखो। क्या करें क्या नहीं, कभी से काम नहीं चले। प्रमाद के पोषण से काम नहीं चलेगा। हमारा पूरा इंद्र नहीं जाना, इसे क्या होगा? वेदना तो हमें है, हमारे दोष इंद्र नहीं जाने। का दोष है? का मतलब है, वो दोष हमारे लिए जो के कारण है कि नहीं है? अशांत मना रहे हैं। आत्मा सुख स्वरूप होने पर भी जो सुख का भेदन नहीं करने देता, उसी उस अज्ञान से बड़ा शत्रु कौन होगा? सुख स्वरूप है, हमारा सुख हमारे भीतर है, कोई रोकने वाला नहीं है। बाहर की पदार्थ की जरूरत नहीं है। हिंदी शोक अनेक प्रकार पराधीन है, लिखा हिंदी शोक अनेक प्रकार से पराधीन है। अतिंद्रिय सुख सर्व प्रकार से स्वाधीन, कोई पर की जरूरत नहीं। क्षमा करने वाले को, क्षमा धर्म के धारण करने वाले को, ए कोई उल्टा सीधा मत बोलो, जोर से मत बोलो, तुम गाली मत दे। ए तुम हमें दे दे, हमारे गुरु से कुछ मत कहो। अच्छा, अरे गुरु का उदय है तो गुरु को कहेंगे। क्या करोगे? माने हमारी क्षमा पर की अधीन नहीं है। उपसर्ग करने वाले के प्रति भी और उपसर्ग करने के काल में भी क्षमा भाव है कि नहीं? हम सोचते हैं नहीं, उपसर्ग करना बंद करे तो क्षमा भाव करे, ये तो क्या दुष्बुद्धि है। उपसर्ग के प्रति, उपसर्ग करने वाले के प्रति, टोटो मजी में जगह जगह लिखा, ऐसी उदासीनता तो द्वेष रूप है। कोई झंझट चंबर है, ब्याह नहीं करने पड़े। ब्याह में तुम्हें झंझट चलती है, ईमानदारी से बताओ, भोग झंझट लगते है कि रोग झंझट लगते है? एक बीमार है, एक कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है, क्या करें? कोई झंझट चंबर है? टोटरमल जी ने लिखा है मोक्षवार प्रकाशक में, सभी ग्रंथ मोक्षवार प्रकाशक ये है, कोई ग्रंथ संसार मार्ग के प्रकाश करने वाला नहीं है। समझदार के लिए यह तेरी सच्ची दशी है तो सर्व और अंधेरा नहीं उजीला है, और सच्ची दशी नहीं है तो चाय का छुपड़ा का बल है। अरे मिट्टी का डला है, कहा पढ़े? अरे पढ़े की तुम करोगे, हमसे पूछोगे? कहा बिचारे ये नहीं सोचो पहले, कहा पढ़े? जिनवानी पढ़ते ये विचार का बिचारे ये नहीं सोचा। जिससे कसाय बढ़ेगी सो विचार करोगे, कि जिससे कसाय मिटेगी सो विचार करोगे,
गुरुजन की आज्ञा का विचार करोगे, जिन आज्ञा का विचार करोगे क्या अपने मन का विचार कर लो। आज को दुखीदार बन जा, अरे बेची कह रहे मुखीदार खानी है तुम मर जाओगे। मनमानी करोगे आ तो बढ़िया ठीक बोली। अच्छा चुपचाप मुंह की दाल को पानी पी ले पीने है तो, और नेक आठ पढ़े भूख लगेगी नेक भूखे रहिए। सहन कर लियो क्षमता है बुखार उतर जाए, और खीर पूड़ी खाई तो कभी नहीं उतरे। चिकित्सा का सूत्र है प्राकृतिक चिकित्सा समझ लो, चारवेद समझ लो, क्या को समझो। चार हाथ के शरीर को, साढ़े तीन हाथ के शरीर को ठीक रखने के लिए साढ़े तीन अंगुल की जवान को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। क्या कुछ बोलो मरी क्या कुछ खाओ मरी, उससे पहले हम कहेंगे क्या को सोचो मरी। क्या को सोचोगे तुम ये बहुत खराब आदमी है, ये सोचोगे तुम ये भगवान आत्मा है, कब सोचोगे। इसके जो एक समय के परिणाम है वो कर्म उदय जनित है, करता नहीं कि कर सकता नहीं, बोलता नहीं कि बोल सकता नहीं, बोल सकता नहीं, समय से पहले नहीं बोल पाएगा, और बोलेगा तीव्र साई तो उल्टा ही बोलेगा। मन कथा वाला जीव भगवान के अनुसार बोल सकता है, तीव्र कथा वाला नहीं बोल पाए कब बोले ये गए कब बोले। अरे जो कह रहे सो बोलो ना, हमें क्या करना, हम तो जाके बैठ जाएंगे सुन देंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी आ रहे थे हम, ये बोले सावधान, सावधानी से सुने, लेकिन सावधानी माने क्या होता है, एकाग्र उपयोग, एकाग्र उपयोग। एकाग्र उपयोग कैसे होता है, जहाज के पक्षी की तरह, जब और कोई शरण नहीं दिखाई देती तब उपयोग एकाग्र होता है, जब तक और कोई शरण दिखाई देगी तब तक उपयोग एकाग्र नहीं हो पाएगा। हमने आपको कहा था जिन लड़कियों को मायके की ठसक रहती है वे ससुराल में सफल नहीं होती। हम अपने पिताजी घर पहुंच जाए, पिताजी घर से जाए, पिताजी घर कब तक, तू वहां क्या है तुम्हारा, हमारा ऊंचा है हाँ ऐसा चुका घोर भिखारी ऐसा है तुम्हारा, वहां कुछ भी नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, फटे मचांग मत हो जा। उस घर की स्वामिनी है उसे करने दो अपने हिसाब से, इस घर की स्वामिनी हो तुम करो अपने हिसाब से, ये नहीं है वहां फटे मचांग हो जा। आज खीर बना दे, आज पूरी बना दे, आज पापड़ बना दे, तुम्हें क्या मतलब, जो बनो है सो खा ले। ए आज ढोकले बना ले, ढोकले बना ले तुम ढोक जा, ढोकले बना ले। इतनी बुरी आदत है, जहां हमारी चलती नहीं है वहां चलाना चाहते हैं, और जहां चलाए बिना नहीं चले रुकेगा वो अपना कार्य अपने बिना नहीं होगा, वहां करेंगे। हम स्वतंत्र हैं, अरे तुमने जाना भी है सुनता है वो,
स्वतंत्र जीव कभी बड़ों को उचंकर जवाब नहीं देता। क्या नाम स्वतंत्र? हमने आपको एक दर्शन दिया था, अच्छे विद्यार्थी का उत्तर उत्तर माला से अपने आप मिलता है। जैसे तुम भगवान ने दिखे हैं आगम में, वैसे ही तुम्हारी बच्चन निकलेगी। तुम्हारे मुंह से भी हम दोष किया दुबारी, ये तो भारी दोष है, ये निकलेगा, ये नहीं निकलेगा जामे का हो। हम आपसे कहते थे सूरज को ऊंचा से पूछो क्या हो गया था, जिनके मन में अनजाने में विकार का परिणाम आ गया क्या हो गया? अनजाने में तो आ गया, तुम जानबूझ करते हो और तो भी तुम्हें ये नहीं लगता, क्या हो गया, क्या हो गया? क्या होगा, का नहीं होगा जो सोचो, कितने कर्म का बंध हुआ है, कितने कर्म का घात हुआ, वो ज्ञान का घात हुआ, सुख का घात हुआ, प्रभुता का घात हुआ, क्या नहीं हो गया? भिखारी हो गए हम, दर्शन जीव जीवस्य, वे दर्शनी हो गए जिन्होंने अपने को देखा, और जिन्होंने अपने को नहीं देखा का शकल तुम्हारी देखा, का देखा तुम्हारी शकल? जिन्होंने अपने को नहीं देखा और जो अपने को नहीं दिखा रहे, जिस शकल में अपना स्वरूप नहीं भाते पूरा, उस शकल को क्या देखना? लड़की तो सुंदर है, अरे तुम्हारा पंच वो दो पियो सुंदर है। अभी जवाब देने लगी तो पास लोग नहीं पियोगे तुम्हें लड़की तो सुंदर, लड़का सुंदर है, हाँ चमड़ी देख ली तुम्हें, गुण तो देखो उसके, सुंदर तो एक तो निश्चय का समय, अरे सुंदर बुद्धि सुंदर समय तो वह है जो अपने स्वरूप में लगा हुआ है, जिसमें आत्मा की विराजमान है, जिसमें देवसार गुरु की विराजमान है, वो क्या सुंदर, हम उसे सुंदर कैसे कहें जो हमें किना किना के मारे, जो हमारी परिणाम भिखारी करे, उस सुंदर कहें हम? हे दशानन रावण सीता के रूप में सुंदरता की कल्पना मत करना, सीता सुंदर है लेकिन राम के साथ में तेरे साथ में नहीं। दशानन की गोद में तो सीता कल्पेगी तड़पेगी, राम की गोद में सीता सुंदर लगती। एक छोटा सा बच्चा भी अगर तुम ले लो तो अभी रोने लगेगा, उसकी माँ चुप हो जाएगा, दूध पीने लगेगा, क्या बात हो गई, क्या हो गो कांटे लगे तुम्हें? हाँ कांटे लगे हैं बाप के बादशाह के, अरे पशु भी पहचानते हैं भाषा को, भाषा नहीं जाने भावों को जानते, तुम्हारे भीतर की भाषा भाव भी समझ जाते। अभी कसाई ले जाए तो तड़पेंगे, इधर उधर भगे बचाओ, और अभी दयालु किसान ले जाए तो चुपचाप चले जाए, जानते तुम्हारी विनय को और तुम्हारी अभिनय को अभिमान को श्री गुरु नहीं जानते, और गुरु बनेंगे अज्ञानी गुरु होगा कोई,
जो तुम्हारी विनय को और तुम्हारी विनय अभिमान को नहीं जानता, तुम्हारी विनय को और तुम्हारी अभिमान को जानता है वो ज्ञानी गुरु है, और ज्ञानी गुरु तुम्हारी विनय और अभिमान को जानते ही है। क्या जानते हैं? ये विनय है वो प्रकट करने योग्य उपाधि है, बढ़ाने लायक है, पूर्णता करने लायक है, और तुम्हारा अभिमान है ये ताड़ना करने लायक है, छुड़ाने लायक है, छोड़ने लायक है, अनुरोध करने लायक भी नहीं। कई बार हम कह दे जाते इस बात की तो हम अनुरोधना नहीं करेंगे, क्यों कह दीजिए? तुम्हारे प्रमादी जीवन की, तुम्हारे स्वच्छंद जीवन की, तुम्हारी मनमानी वृत्ति की हम अनुमोदना भी नहीं करते। ये मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग की पात्र आदमी है, अनंत दुख का कारण है। इस दुविधा में मत पड़ो। हमने आपको एक बात कही थी, भावना प्रधान धर्म है, चरित्र में भावना की प्रधानता है। घर की प्रधानता नहीं है, इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो, भगवान को होशो तो बीता आ गए तो। अरे बीता तुमने जैसे माने है तैसे नहीं है, विराधना करोगे मर जाओगे, आराधना करोगे इतर जाओगे, वे भी जागी बने थे। लिखा है भक्ति में, तुमरे भक्त परम सुख पावत, परत भक्त अनंत दुखन में, जैसो मुख देखो तैसो ही भासत जिम निर्मल दर्पण। अब उनको दर्पण क्या करेगा? दर्पण ये करेगा तुम्हारे मेल को दिखा देगा, छुटाने लायक और तुम ही छुटाओ, हम नहीं छुटाएंगे, तुम ही छुटाओ, और जब तक तुम छुटाने में समर्थ नहीं तुम्हारी मां छुटाएगी। जब तक दोस्त को दूर करने के लिए अंतर्मुख नहीं होगी तब तक जिनवाणी छुड़ाएगी। लेकिन दोस्त छूने लायक होंगे, तुम्हें बुरे खुद लगने लगेंगे, तुम्हारा दाग तुम्हें स्वयं बुरा लगेगा, तुम्हारा सपना तुम्हें स्वयं झूठा लगेगा। भावुकता अलग है, भावना अलग है। अज्ञान में भावुकता होती है, ज्ञान में भावना होती है। सम्यक दर्शन करना हमें तो, सम्यक दर्शन करने वाले की भावना ये होगी समस्या समाधि करना, और समाधि करने वाले को सम्यक दर्शन करना ही चाहिए। सम्यक दर्शन के बिना समाधि नहीं, और समाधि के बिना सम्यक दर्शन नहीं। सबका चार टीका में लिखा है, सम्यक दर्शन संयम कर पुष्ट हुए है। सम्यक दर्शन कर कैसे पुष्ट होता है? संयम से पुष्ट होता है। ये तो तुमने हमारे मन की बात कही, काय माया पदम प्राण। वो मुनिराज को देखते देखते देखता ही रहेगा, उसका साला मजा करता है, ये आया तो दिख रहे जैसे तुम अब मुनि भाई आ। तुमने हमारे मन की बात कह दी, हमारे मन में यही है, इन जैसा जीवन हो गए। अब जीवन माने जीवन बन समझते रहोगे और भौतिक जीवन समझते रहोगे, इन जैसी दृष्टि हो गए, इन जैसी भावना हो गए, इन जैसी संगति हो गए। बीड़ी न पीने वाले को बीड़ी का धुआं भी अच्छा नहीं लगता। मेरे दोस्त प्रवना करनी हमें, बस प्रवचन का प्रवना में प्रवचन कहां से आ गए,
और प्रवचन तुम समझे कहाँ, बच्चों को ही प्रवचन समझ गए, भाषण को ही प्रवचन समझ गए नेताओं के। निर्दोष प्रभावना के लिए निर्दोष वात्सल्य चाहिए, निर्दोष भक्ति चाहिए, निर्दोष संगति चाहिए, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं पर नित्य रहे। सत्संग चाहिए कि नहीं? अगर तुम्हें सदाचारी बनना है तो सदाचारी की संगति करना पड़ेगा, अगर तुम्हें ब्रह्मचारी बनना है तो ब्रह्मचारी की संगति करनी पड़ेगी। मनमानी करके ब्रह्मचारी नहीं हो जाओगे, गोला चढ़ाए और ब्रह्मचारी हो गए, कर्म क्या कुछ हम बोलेंगे ही नहीं, नहीं बोलोगे तो आप ब्रह्मचारी ही रहोगे। ब्रह्मचारी होने के लिए ब्रह्मचारी की संगति करनी पड़ेगी। ऐसी बढ़िया बात नहीं, ऐसा लगता है ये विरोधियों, गुरुओं से कहा लौकिक जीवों की संगति मत करो और लौकिक जीवों से कहा गुरुओं की संगति करो, वाह खूब बिगड़ दो, सुनते कही दूर मत हटो, बात में आओ और हमसे कह दिया जाओ भगा दो, कहाँ कह दो, कहते हाँ तो जित तुमने अर्थ निकाल दिया। लौकिक जीवों की संगति मत करने का मतलब है लौकिक जीवों से प्रभावित मत होना, इनकी कमी क्या अच्छी है, इनको घर अच्छू है, इनको चश्मा अच्छू है, इनकी गाड़ी अच्छी है, इनका बैग अच्छा है, कहाँ से लाए बैग, ये बैग बहुत बढ़िया है, ये हम भैया लगे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ अगर ऐसा विचार करती हो तो, और मोक्ष मार्गी मानते हो अपने को, कुछ पढ़ लिख करके मोक्ष मार्गी हो गए हम, कुछ क्रिया करके मोक्ष मार्गी हो गए, और जी बैग बहुत बढ़िया जम भैया लगे, ये गाड़ी बहुत बढ़िया जम एसी लगी है, एक सेठ था बड़ा सेठ, लड़की को स्वयं छोड़ने जाए स्कूल में और नॉन एसी स्कूल में पढ़ाता था। एक दिन किसी ने पूछा तुम इतने बड़े आदमी हो क्या नॉन एसी स्कूल में नॉन एसी क्यों पढ़ाते हो, नॉन एसी बस में क्यों भेजते हो, पैदल चल के क्यों आते हो, कि भाई हमारे पिताजी के पास पैसा नहीं था, जरूरी नहीं है हमारे लड़के के पास पैसा हो, हम इसको सहन शक्ति बनाते हैं। सहन शक्ति हर परिस्थिति में सहने की आदत डाले, दुख से भावित ज्ञान सुख में छूट जाएगा, सुख से भावित ज्ञान दुख में छूट जाएगा। आज घी नहीं है मुंह भगा दे और आज रस्सी हो जाए समझ लो रस्सी है काम खत्म। अरे घी नहीं है हमारी राखी चिकनाई कब छूटे वो भी तो घी है। एक सर्प से अभी रिद्धि होती है रस्ता रिद्धि को भेजें माने नीरज भोजन उनके हाथ पर रखो और वो सरस हो जाता। ज्ञानियों की दशा कुछ अलग है, नीरज भोजन उनके पास रखा और सरस हो गया, पुचकारक बन गया, और ऐसा नहीं उसका दृष्टांत भी प्रधान योग में चंदन वाला ने काय का हाथ दिया महाविष्णु को ओले उर्दों का और क्या बन गए खीर बन गई, क्या से बन गई तुमको हो तो उसका भाग खीर लायक है, उसका भाग ओले उर्दे लायक नहीं। बन गई खीर
गुरुओं के वचन घृत के समान पुष्टकारी हो जाते हैं। ये उनकी सर्प साबित रहती है। गुरुओं के कठोर वचन भी उसे मधुर लगते हैं, ये मधु साबित रहती है। पीको दूध हो हमने और मीठो हो वो अपने आप ही जो होता है। दूध मीठा कभी होता ही नहीं, मिसी ही मीठी होती है। दूध में मिसी डाल दो तो कितनी मीठा होगा, 4 किलो लीटर दूध और 1 16 मिसी डाल दो उसमें, मीठो हो जाए मालूम नहीं पड़े। लेकिन तुम्हें भले नहीं मालूम पड़े, सूक्ष्म दृष्टि वालों को तो मालूम पड़ेगा इसमें मीठा पड़ा है। नीलांजना की मृत्यु लौकिक जीवों को भले मालूम न पड़े, लेकिन ऋषभ देव की सूक्ष्म दृष्टि ये नहीं छिपेगी। दूसरी निरंजा है, पहली बारी नहीं। अरे दूसरी निरंजना है, दूसरी पर्याय है, पहली वाली पर्याय नहीं। ये क्यों नहीं सोचती, पहली वाली पर्याय नहीं, ये पर्याय बदल गई। अब इसी के साथ में मोह नहीं किया जाएगा। पत्नी का जीव और स्वर्ग में देव हो गया तो उसे देव ही मानना पड़ेगा। अब ये पत्नी ऐसा व्यवहार नहीं कर पाओ कर ले कहे द्रव्य तो वही है। अरे द्रव्य के साथ व्यवहार थोड़ा नहीं हो रहा है। माँ के साथ पुत्री जैसा व्यवहार नहीं हो सकता, पुत्री के साथ पुत्री जैसा व्यवहार ही होगा। जितने साहित्य में दृष्टांत हैं वे एक देश हैं, सर्वदेश नहीं है। इसका मुख तो चंद्रमा के समान है, तो मुख चंद्रमा ही हो गया। रोज पूर्णमासी हो जाएगी वहां तो। एक देश में जिसको साहित्य में उपमान कहते हैं, उपमेय उपमान साधारण धर्म ये भेजेंगे नहीं, कहे तो उपमान। इसी धर्म विशेष को लक्ष्य में लेकर के उपमान दी जाती है। शेर जी गऊ गौ बन सीजन से कहे बस इतनी रहो, गऊ बने पर उपकारी है सीधे है। लेकिन वहां गौ का गौ साहब जो होती है मनुष्य होता है। अरे कौन से गऊ, कौन सी गौ, जहां शेर जी को गऊ कहा है वहां गऊ त्रियंच नहीं है। अपने बिना सियाज भाग के जैन धर्म को नहीं पा पाओगे। कहां क्या करना चाहिए ये भी सोचा। कहां बोलना कहां चुप रहना, जहां अहिंसा का पालन होता हो, धर्म का पालन होता हो वहां बिना बुलाए भी बोलना, और जहां धर्म का घात होता हो तो बुलाने पर भी नहीं बोलना। कि यह मरी है कि जिंदा, मरी है अरे कहां मरी है, यही तो हम कह रहे थे। अगर हम जिंदा कह देते तुम हाल मसा दे चिड़िए के बच्चे को, मरी को जिंदा कहा, जिंदा को मरा कहा, बोलो सियाज बात है कि नहीं। अगर हम जिंदा कहेंगे तो मसा दोगे, मुर्दा कहेंगे तो छोड़ दोगे। हमारा छोड़ने का अभिप्राय है, छोड़ना अहिंसा है। इसलिए मुर्दा को जिंदा कहना भी, लोग कहना जिंदा को मुर्दा कहना भी अहिंसा होगा। छोड़ दिया उसने कि नहीं,
कहाँ है तो न्यूट बोलता, हाँ जाइ तो कही तो झूठ तो बोले तुम। अरे झूठ बोले हम बोलते ही नहीं है, हमारा अहिंसा का धर्म जो है, दया का धर्म है, वो सत ये ऐसे बोला है। एक भक्तामन में बढ़िया लाइन लिखी, तो भक्ति मुखरी कुटी बलान माम। हम नहीं बोले, हम तो जानते हैं आपके अनंत गुण हैं, उनकी स्तुति करना संभव ही नहीं है, लेकिन फिर भी स्तुति कर रहे। तो भक्ति मुखरी कुटी बलान माम, आम्र की बोर आए और कोयल न बोले, चुपचाप रहे, हो सकता है ऐसा अंदर में अभिमान होगा। भगवंत की शांत प्रतिमा को देखे और जय जय की ध्वनि नहीं निकल पाए, भक्त होगा। कोई नास्तिक होगा, भक्त नहीं होगा। भगवान की प्रतिमा को देख करके जय जय ध्वनि नहीं निकल पड़ती, नास्तिक हो गया। और जो उस ध्वनि का कर्ता अपने को माने, वो से बड़ा नास्तिक कोई नहीं। है नास्तिक है नहीं, कर्ता क्यों मानता? तो भी अपनी विनम्रता नहीं छूटती। भगवान हम आपकी स्तुति नहीं कर रहे हो, कर रहे क्या? कर रहे ये उपचार मात्र है, परमार्थ नहीं है। शरीर आश्रित स्तुति आत्माश्रित स्तुति नहीं है, लेकिन फिर भी शरीर स्तुति करे, दो कुंड अनुसार हार दबलो करे कि नहीं करे, और ज्ञानी करे या ज्ञानी करे। और तुम्हें ऐसा लगे यूटी है, तुम समझे नहीं, तुम्हें पक्ष पड़ा है। विकास में साजी की कम है, शुद्ध नय का पक्ष भी पश्चात क्रांत हुए नहीं तुम, तो वेदांत का पक्ष लाएगा, तुम्हें मिथ्या दृष्टि बनाएगा, तुम्हें समय दृष्टि नहीं बना पाएगा। तुम कहां से बोल रहे हो, कहां से सोच रहे हो? दान ही है हमारे लिए ही है, इनके तुम्हारे लिए है नहीं। दान के लिए कमाने बैठ जाए, जोड़ने बैठ जाए, चंदा करने लगे तो ही हो जाए। अशुभ राग ज्वर निषेधार्थ हम उनके निषेध के लिए आप दान में प्रवृत्ति करोगे, घटती ज्ञान घटाइए, घटती ज्ञान। अरे आत्माओं का स्वभाव नहीं है घट सकती है, तुम तो मान ही बैठे पर नहीं घटेगी, तुम हे उपाध्याय को क्या समझोगे? पंडित बनासी दास जी ने चिट्ठी में लिखा है, निर्वेद कतवार मित्र दृष्टि न आगमी न आध्यात्मी, निर्वेद कतवार, समय दृष्टि आगमी भी है और आध्यात्मी भी है। जिसे आगम होता है उसे ही अध्यात्म होता है, जिसे भाव पूजा है उसी को दर पूजा है। भाव पूजा माने चाहे पिंड उठते पिंड ठाड़ी हो गए, हम तो भाव पूजा करते हैं, इसका नाम भाव पूजा नहीं लगा है। रोज जी दुपट्टा पहन के अपन खड़े हो गए, आठ दब चढ़ा दिए, दर पूजा हो गई। अरे भैया बचनों से स्तुति और शरीर से नमस्कार, ये दर पूजा है, और मन में बहुमान का भाव और विजन है, वो भाव पूजा है। वो समझ पाए कि नहीं? इन्हें दर पूजा, इन्हें भाव पूजा, ये कहां से आ गए, दो कहां से आ गए? नए दो नहीं है, नए का वस्तु दो नहीं है, धर्म दो नहीं है,
निरूपण दो प्रकार की है। तुमने ये कैसे समझ लिया कि इनको भाव गर्भ पूजा है, इनको भाव पूजा है? जहाँ प्रमाद का पोषण है वहाँ पूजा ही नहीं है, गर्भ और भाव पूजा कहाँ से आई? जहाँ प्रमाद का पोषण है, कथा का पोषण है, विषयों का पोषण है, वहाँ तो ग्रहित में क्या है? जिनागम में राग का वर्णन है लेकिन राग का पोषण नहीं है, और राग का पोषण करने वाला आगमीन कैसे हो जाएगा? अपनी महिमाएं अपने पोषण करेंगे, कैसे हो जाओगे तुम? अपने पोषण का अभाव करो। ये जीव सास गुरु मिले हमें पोषण करने के लिए नहीं मिले, अभाव करने के लिए मिले। विचारना ओम नमः सहजानंदी शोध स्वरूपी अभिनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अभिनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू धो।